उधर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान पर वक्फ बोर्ड की जमीन को फर्जी तरह से बेचकर घोटाले का आरोप लगाया है। देखिए, बहुत ज्यादा धांधलियां की गई हैं अखिलेश गवर्नमेंट में, खासतौर से आजम खान साहब जो है उन्होंने बहुत ज्यादा इस पर बीमारियां की हैं और उस पर उन्होंने यूज किया है। दोनों वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन थे उनको यूज किया है उनको। आप देखिए, इसको अगर सही सही सीबीआई जांच हो जाए तो कम अज कम 5,000 करोड़ की धांधलियां निकलेंगी शिया सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड में। तो इसीलिए हमारी डिमांड सीबीआई जांच की है। हम चाहते हैं कि हमारे योगी जी जो है वो सीबीआई जांच करवाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो बेईमान है उसको जेल जाना चाहिए, जो चोर है उसे जेल जाना चाहिए। 40 से अधिक परिवारों को बलपूर्वक पुलिस ने मारकर बाहर निकाल दिया और उस प्रॉपर्टी पे आजम खान को कब्जा दिला दिया। वहां आजम खान का निजी स्कूल बनाया जा रहा है। एक वक्फ की प्रॉपर्टी है 72 और एक है 204। किन जमीनों पर हमारा जाती कब्जा है हमें भी मालूम हो, कहाँ है। वक्फ की किसी जायदाद पर हमारा कोई जाती अधिकार नहीं है, कब्जा नहीं। ये तमाम स्कूल और पूरा विश्वविद्यालय मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की मिल्कियत है, हम उसके चेयरमैन हैं। ये सच है, जाहिर है, हमने बनाया है तो हम ही चेयरमैन हैं, लेकिन एक पैसे का भी मुनाफा हमें और हमारे परिवार को इससे नहीं जाता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।